हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी टाइप के पैटर्न क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी टाइप का पैटर्न क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में आप पैटर्न क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना डर हुए। क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं और प्रोग्रामिंग नया नया सीखना शुरू करते हैं तो हम पैटर्न वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमसे सॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 32 क्वेश्चन को सॉल्व लाइव करके दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टाइप का पैटर्न क्वेश्चन आप काफी अच्छा से और काफी आसानी से कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ किया हूँ सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लेना है और सारा का सारा इसका जो नोट्स है, जो कोड है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा कि जो हमारा कोड है कैसे काम करता है और कैसे ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा और आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नया नए चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत हेल्प इस चैनल आपका करने वाला है आपके करियर में और आपकी ग्रोथ में। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक पैटर्न वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। मैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चन से आपके पास लेकर आया हूँ और एकदम एडवांस लेवल तक बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पैटर्न वाला क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं रहेगा। तो देखो, ये हमारा क्या है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि रोज किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो देखो, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हमारा क्या है, रोज। जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। तो मुझे दिख रहा है इसमें 4 रोज है, 1 2 3 4, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। इतना मुझे समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसका डायग्राम यहाँ बनाऊंगा और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखो, मैं यहाँ इसका फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी क्रिस्टल क्लियर समझ में आए और आपको मज़ा आ जाए। क्योंकि यार, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन बहुत आपको भारी लगते रहेगा और आप हमेशा इससे बचने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो मैं क्या करूंगा, ये हमारा क्या है, रो है। तो रो के लिए मैं क्या करूंगा, इसका नंबरिंग दे दूंगा। ये रो नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हमारा क्या है, रो। इधर लिख दूंगा मैं रोज। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, कॉलम। मैं यहाँ कॉलम लिख दूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 4 रोज हैं और 4 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे इसको प्रिंट करूंगा। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक C++ पढ़ा है या फिर किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़े हैं तो आप लूप के बारे में पढ़े होंगे कि लूप क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि लूप कुछ नहीं है, एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई होने तक उसको प्रिंट करते रहता है, उसको लगातार रिपीटेटिव मोड में उसको प्रिंट करते रहता है। वही तो हमें करना है, हमें क्या करना है, एक स्टार को इसको 4 बार प्रिंट करना है, मीन्स 4 रोज में और 4 कॉलम में। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए हमें 2 लूप चाहिए। क्यों, क्योंकि यार हमारे पास एक रोज भी है और कॉलम भी है। तो रोज के लिए हमें अलग लूप चाहिए और कॉलम के लिए हमें अलग लूप चाहिए। हमें क्या चाहिए, 2 लूप। एक लूप चाहिए जो रोज को प्रिंट करे, एक लूप चाहिए जो कॉलम को प्रिंट करे। तो देखो, ये हमारा क्या है, रोज। और जो रोज रहता है, रोज, उसको प्रिंट करता है हमारा आउटर लूप। जो आउटर लूप किसको प्रिंट करता है, रोज को, आपको याद कर लेना है। और जो इनर लूप होता है, इनर लूप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप याद कर लेना, इनर लूप हमारा कॉलम को प्रिंट करेगा। कॉलम मतलब क्या, जो हमारा वर्टिकली है। रोज मतलब क्या, जो हॉरिजॉन्टली है। इतना समझ में आ गया, इतना क्या हुआ, इतना समझ में आ गया कि जो हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप, वो हमारे रोज को प्रिंट करेगा, 1 2 3 4, इसको पकड़ेगा। और जो हमारा इनर लूप है वो इसको करेगा, जो हमारा वर्टिकली है, 1 2 3 4। तो प्रिंट कैसे करेगा सर, वही तो मैं बताऊंगा, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप लगाऊंगा, फोर
इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन कहाँ तक, तो मैं देख पा रहा हूँ एक दो तीन चार, चार है, चार रोज है और चार कलम है, तो मैं मान लूंगा एन इक्वल टू कितना है, फोर, क्योंकि इसका रोज भी फोर है और कॉलम भी फोर है, तो मैं मान लूंगा एन हमारा कितना है, फोर, मीन्स नंबर ऑफ जो साइड से कितना है, फोर, तो कहाँ तक चलेगा, एन तक और आई प्लस प्लस, ये हमारा क्या करेगा, रोज को प्रिंट करेगा, रोज, ये क्या है हमारा आउटर लूप। आप ध्यान से समझो, क्योंकि आप इसको समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, इसको ध्यान से समझना है। हमारा रोज कहाँ तक जाएगा, वन टू थ्री फोर, फोर तक, फोर क्या है, एन, एन क्या है, फोर, तो वन से लेकर फोर तक जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, एक इनर लूप में चलाऊंगा, फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन कहाँ तक, एन तक, एन तक क्यों, क्योंकि यार ए भी हमारा एन इक्वल टू फोर है, जहाँ जितना एन है उसको भी एन बार चलाना है, ठीक है, हमारे कॉलम को भी एन बार चलाना है, ठीक है, तो जे इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस। फिर क्या करना है, हमें सी आउट कर देना है, हमें क्या प्रिंट करना है, आप यहाँ अगर जावा यूज कर रहे हो तो आप यहाँ लिख देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, प्रिंट एल एन, ठीक है, अगर आप पाइथन यूज करते हो तो आप उसे प्रिंट लिख देना है, ठीक है, अगर मैं सी प्लस प्लस में यहाँ आपको बता रहा हूँ तो यहाँ लिखना है सी आउट, किसी भी लैंग्वेज में आपको सेम टू सेम यही लिखना है, बस उसको प्रिंट करने का तरीका अलग है। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जावा में है और सी आउट, सी आउट किस में है, सी प्लस प्लस में, तो आपको सी आउट लिखना है और क्या लिखना है, यहाँ स्टार और एक स्पेस यहाँ प्रिंट कर देना है, और फिर क्या करना है, सी आउट एंड एल, एक नया लाइन आपको प्रिंट कर देना है। इतना जैसे आप कोड लिखिएगा आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, जितना जैसे आप इतना कोड लिखिएगा क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, ड्राई रन, यहाँ देखो आई इक्वल टू पहले कितना है, वन है, जे इक्वल टू कितना है, वन है, तो आई इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, एन कितना है, एन इक्वल टू फोर है, जो वन है, वन लेस देन इक्वल टू फोर है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, इनर लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर आ जाएगा, ये हमारा क्या है, आउटर लूप, आउटर लूप मतलब क्या, हमारा रोज, आउटर लूप मतलब क्या, रोज, ये हमारा रोज को दिख रहा है। फिर आएगा हमारा किस में, इनर लूप में, इनर लूप में जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे शुरू हो रहा है वन से, जे वन से शुरू हो रहा है, ठीक है, जे मतलब वन, वन लेस देन इक्वल टू कितना, फोर, एन का वैल्यू कितना है, फोर, जो हमारा जे है मतलब वन लेस देन इक्वल टू फोर है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, तो हमारा क्या हुआ, एक स्टार प्रिंट हो गया, एक स्टार प्रिंट करने के बाद एक स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है, और एक स्पेस प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, फिर हमारा इनर लूप में हमारा जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे पहले वन था, अब कितना हो गया, प्लस प्लस, मतलब जे का वैल्यू अब टू हो गया, अब जे का वैल्यू टू हो गया, अब यहाँ आएगा चेक करेगा क्या, टू लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ हो जाएगा टू, चेक करेगा क्या, टू लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ टू जो है लेस देन इक्वल टू फोर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, फिर आएगा इसको एक बार और प्रिंट कर देगा, इसको क्या हुआ, एक बार और प्रिंट कर दिया, फिर इधर आएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब थ्री, अब जे का वैल्यू थ्री हो गया, तो फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या है, इसके अंदर आएगा और फिर इसको प्रिंट कर देगा, हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर, यहाँ आएगा कंडीशन चेक करेगा फोर लेस देन इक्वल टू फोर, फोर लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है, इसको आएगा फिर इसको क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, एक लाइन प्रिंट हो गया। फिर आएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा फाइव लेस देन इक्वल टू फोर, फाइव जो है लेस देन या फिर इक्वल टू या फोर के, नहीं कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, इस लूप जो हमारा है फोर लूप, इससे बाहर आएगा और यहाँ आ जाएगा एंडल न्यू लाइन, अब यहाँ आ जाएगा कर्सर हमारा कहाँ आ गया, यहाँ, जब यहाँ आएगा तो अब क्या करेगा, अब आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारा इनर लूप, इनर लूप था, इनर लूप का काम खत्म, अब आउटर लूप में जाएगा तो आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, आई का वैल्यू पहले वन था, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, टू, जब आई का वैल्यू टू हो गया तो फिर इसका क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा जे वन से शुरू होगा, और फिर जे कहाँ से शुरू होगा, जे हमारा वन से शुरू होगा, वन से शुरू होगा तो फिर चेक करेगा वन लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ वन जो हमारा है यहाँ, अब क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू वन है तो फिर वन से चेक करेगा वन लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा और इसको प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, फिर इसको प्रिंट कर देगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ सही है, इसके अंदर आएगा और एक बार और स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री, फिर हमारा स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर, क्या करेगा, हमारा स्टार प्रिंट कर देगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव, और जे का वैल्यू जैसे फाइव होगा तो यहाँ फाइव लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर न्यू लाइन प्रिंट कर देगा और आएगा यहाँ,
वैसे ही फिर हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो जाएगा थ्री, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ थ्री, थ्री लेस इक्वल टू फोर है, हाँ यहाँ आएगा फिर चार बार स्टार को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा चार बार आपके स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, आई प्लस प्लस आई इक्वल टू फोर हो गया, फोर हो गया तो फिर इसके अंदर आएगा कंडीशन ट्रू है, और फिर वन से लेकर फोर तक इसको क्या कर देगा एक बार और प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा आई इक्वल टू फाइव, प्लस प्लस है तो आई फाइव, और जैसे ही यहाँ आई फाइव लेस इक्वल टू फोर, आई का वैल्यू जब फाइव हो जाएगा तो फाइव लेस इक्वल टू फोर जो फाइव है फोर से कम है नहीं, कंडीशन फॉल्स है, जो कंडीशन फॉल्स है तो इसके नीचे आ जाएगा फोर लूप से बाहर और इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हमारा क्या करेगा इतना हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, हमारा क्या होगा इतना स्क्रीन पर हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है, अभी आपको इतना देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। अभी मैं चलता हूँ अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में और आ जाए, ठीक है। तो देखो ये हमारा पैटर्न इसमें है, इसको हमें प्रिंट करना है, इसको हमें क्या करना है प्रिंट। तो आपको एक चीज़ पता है कि सी प्लस प्लस में आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके पास आपको लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इतना आप लिख लिए। फिर आपको लिखना पड़ता है इंट मेन, इतना आपको लिखना पड़ता है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं पता है तो मैंने सी प्लस प्लस का काफ़ी एडवांस कोर्स अपने चैनल पर डाला हुआ है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी टॉपिक वहाँ नहीं छोड़ा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सी इन और एन यूजर्स इनपुट ले लूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ यहाँ फोर करके दिखाया है, यूजर अगर कुछ भी डालता है तो उसको उतना प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो एन में यूजर्स इनपुट ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा फोर लूप लगाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ये हमारा क्या हुआ आउटर लूप जो रोज को देखेगा, जो क्या करेगा रोज को प्रिंट करेगा। और ये हमारा क्या है एक इनर लूप में लगाऊंगा, और इनर लूप में मैं क्या करूँगा कॉलम को प्रिंट करेगा वन तक, वन से जाएगा कहाँ तक जे लेस देन इक्वल टू एन तक और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर जाके हमारा क्या करेगा सी आउट कर देगा स्टार को जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए स्टार चाहिए, और हमें स्पेस भी चाहिए तो मैं स्पेस को भी प्रिंट कर लूँगा साथ ही साथ। और फिर मैं नीचे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा सी आउट एंडल, एंडल कर दूंगा और थोड़ा नीचे जाऊँगा, ये हमारा कोट हो गया। ध्यान से क्या समझना है कि मैंने एक फोर लूप चलाया है वन से लेकर एन तक, फिर मैं एक इनर लूप चलाया है जे वन से लेकर एन तक, और हर एक इसके अंदर मैं क्या किया हूँ स्टार को प्रिंट कर लिया हूँ फॉलोड बाई स्पेस, और फिर मैं न्यू लाइन में चला गया हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, आप कोड को काफ़ी अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं इसका जो डाउनलोड लिंक होगा मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, हर एक कोड को मैं जितना भी 32 पैटर्न बताऊंगा सबको डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं इसको रन करूँगा और जैसे ही मैं रन करूँगा हमसे मांगेगा क्या आउटपुट, हमसे एक आउटपुट, हमसे एक इनपुट मांगेगा एन, मैं एन इक्वल टू फोर डालूंगा और देखो हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, हमारा पैटर्न क्या हुआ प्रिंट हो गया, आप कोड यहाँ देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा एक बार और रन करूँगा और दूसरे मैं दूसरे एक इनपुट पर जैसे मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सिक्स, सिक्स लिखूँगा तो देखो सिक्स रोज और सिक्स कलम आ गया, सिक्स रोज और सिक्स कलम आ गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपके पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं चलूँगा दूसरे पैटर्न पर और आपको करके दिखाऊंगा। तो ये था हमारा पहला पैटर्न, ये था हमारा पहला पैटर्न जो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं चलूँगा नेक्स्ट पैटर्न की तरफ और आपको इसको बताऊँगा। तो ये देखो ये है हमारा दूसरा पैटर्न, इसमें क्या है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो आधा पार्ट आपने खा गया, मैं बोलूँगा नहीं यार मैंने नहीं खाया है, काफ़ी आसान भी पैटर्न है। एक ऐसा दिया है देखो ये काफ़ी आसान पैटर्न है उसी पर बेस्ड है, इसमें भी हमारा रोज और कॉलम पर सारा का सारा काम हुआ, ठीक है। अब कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, यहाँ देखो रोज कितने हैं इसमें कितने रोज हैं, तो आप बोलोगे सर रोज जो हमारा है हॉरिजॉन्टल होता है तो वन टू थ्री फोर, फोर इसमें क्या है रोज, ये हमारा क्या है रोज, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं कॉलम, ये हमारा रोज है आर से डिनोट करेंगे, एक कॉलम है सी से डिनोट करेंगे, वन टू थ्री फोर। मैं क्या करूँगा इसको डब्बा में बंद कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ पाए। देखो इसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो वन, इसमें ए को प्रिंट करना है, मींस रो नंबर वन है उसमें एक स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर टू है उसमें दो स्टार प्रिंट करना है,
रो नंबर थ्री है उसमें एक दो तीन तीन स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर चार है उसमें एक दो तीन चार चार स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन को ध्यान समझो। इसमें क्या करना है आपको, रोज और कॉलम को विजुलाइज करना है, और आप जैसे विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि जितना रोज है, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही स्टार में प्रिंट करना है। जैसे इसमें हमारा रोज वन है तो एक स्टार प्रिंट करना है, रोज दो है इसमें दो स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर थ्री है तो थ्री स्टार प्रिंट करना है, फोर है तो फोर स्टार प्रिंट करना है। तो कैसे होगा, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि हमें रो के लिए आउटर लूप चलाना पड़ता है और कॉलम के लिए इनर लूप। रोज में हमारा है चार दखे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आउटर लूप, और एन इक्वल टू कितना है फोर, एन इक्वल टू इसमें फोर दिया है, एन मतलब क्या इसका नंबर ऑफ जो हमारा रोज कॉलम है एक दो तीन चार। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आउटर लूप में चलाऊंगा फोर इंट आई इक्वल टू वन आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। मैं लेस देन एन क्यों चलाया हूँ, क्योंकि यार हमारा जो रोज है एक दो तीन चार है, चार तक है, रो हमारा कितना है चार तक, रो हमारा कितना है चार तक, इतना हमको समझ में आ गया, इतना हमें क्या हुआ समझ में आ गया। और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनर लूप चलाना पड़ेगा फोर इंट जे इक्वल टू वन से चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि जे लेस देन इक्वल टू आई क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, मैं ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब बस आप इतना रखिए, मैं भी ड्राई रन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, सी आउट करना है, क्या प्रिंट करना है स्टार को और साथ ही साथ एक स्पेस को भी, और इसको प्रिंट करने के बाद आपको एक नया लाइन भी प्रिंट करना है क्योंकि आपके पास यहाँ न्यू लाइन में दूसरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इतना कर देना है, इतना लिखने के बाद आपका कोड कंप्लीट हो गया और आपको आउटपुट आ जाएगा। अब मैं देखूंगा ये काम कैसे कर रहा है, अब मुझे क्या देखना है ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ पाएगा तो फिर नहीं समझ में आ पाएगा। मुझे क्या करना है, जे वन से लेकर एन तक जाना है, मीन्स जे को हमारा फोर बार चलाना है, जितना एन है उतना बार मुझे जे को चलाना है, आई को चलाना है रोज को, वन से लेकर फोर तक, तो वन से लेकर फोर तक चलेगा क्योंकि एन इक्वल टू फोर है, वन से फोर तक चलेगा। और इसमें क्या है, जे को जो हमारा इनर लूप है, जो हमारा इनर लूप है उसको मैं क्या करूँगा आई तक चलाऊंगा, मीन्स जो हमारा वन है आई वन है तो इसमें एक स्टार प्रिंट होगा, इसमें क्या होगा एक स्टार प्रिंट होगा। अगर मैं जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन कर दूंगा तो इसमें भी चार स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा, जितना एन है उतना स्टार प्रिंट हो जाएगा। आप इधर देखो, मैंने आपको इधर दिखाया था कि मैं इधर क्या किया हूँ, जे लेस देन इक्वल टू एन तो आपको ए पैटर्न प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ आई कर दूंगा तो क्या होगा, जो हमारा आई अगर वन है तो इसमें एक स्टार प्रिंट होगा, आई अगर टू है तो इसमें दो स्टार प्रिंट होगा, लेकिन मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू एन किया है, मीन्स जब मैंने एन किया है मतलब एन तक अगर चार है तो चार स्टार प्रिंट होना है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या है कि अगर जे हम आई हमारा वन है मतलब रो अगर वन है तो उसमें वन स्टार, रो अगर दो है तो उसमें दो स्टार, रो अगर तीन है तो उसमें तीन स्टार। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई करना पड़ेगा कि जब जहाँ तक आई है, अगर आई एक है तो एक स्टार प्रिंट कर दो, आई अगर दो है तो दो स्टार प्रिंट कर दो, आई अगर थ्री है तो थ्री स्टार प्रिंट कर दो। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेस देन इक्वल टू आई किया है। अभी मैं ड्राई रन करता हूँ, तो सबसे पहले हमारा आई कितना है वन है और जे इक्वल टू कितना है वन, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, जी आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई कितना है वन, वन लेस देन इक्वल टू फोर है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और जी इक्वल टू क्या है वन, जी इक्वल टू क्या है वन, कंडीशन चेक करेगा वन लेस देन इक्वल टू वन, आई कितना है वन, आई का वैल्यू कितना है वन, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा इसके अंदर, और एक स्टार को हमारा क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा और एक स्पेस प्रिंट कर देगा। और फिर क्या होगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ टू, टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू वन, जो दो है लेस देन है या फिर इक्वल टू वन है, नहीं कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही इस इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा क्या आ जाएगा न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब अब यहाँ आ जाएगा कर्सर। देखो अगर मैं यहाँ आई नहीं लिखता तो फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाता, फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाता, तो फिर हमारा क्या होता गड़बड़ हो जाता, हमारा क्या हो जाता गड़बड़ हो जाता, कोड हमारा अच्छा से रन नहीं करता। इसलिए हमें लेस देन इक्वल टू आई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा रो नंबर वन है इसमें एक स्टार चाहिए, रो नंबर दो है इसमें दो स्टार चाहिए, इसीलिए समझ में आया मैंने लेस देन आई क्यों किया। ठीक है, और जैसे यहाँ जे प्लस प्लस होगा, जे का वैल्यू टू होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होगा तो यहाँ न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, और फिर आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो गया टू।
और जब आई का वैल्यू टू हो गया तो यहाँ चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है हमारा, ट्रू है। और कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ आ जाएगा इनर लूप में, और इनर लूप में फिर जे हमारा वन से शुरू होगा। जे कहाँ से शुरू होगा, फिर से वन से शुरू होगा, तो जे का वैल्यू इसको कट को वन हो गया वन से। तो हमारा क्या होगा, वन लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू अब कितना हो गया, आई का वैल्यू अब टू हो गया है, जे हमारा वन है, लेस देन इक्वल टू टू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार को प्रिंट कर दो, तो एक क्या हो गया, एक स्टार प्रिंट हो गया और एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू, टू लेस देन इक्वल टू टू, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एक बार और स्टार प्रिंट कर देगा, एक बार और स्टार प्रिंट हो गया, फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, जे का वैल्यू कितना होगा थ्री। तो यहाँ फिर चेक करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू टू, थ्री जो है लेस देन है या फिर इक्वल टू है टू के, नहीं कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हमारा सी आउट एंडल न्यू लाइन प्रिंट होगा और आ जाएगा कर्सर फिर यहाँ। फिर क्या करेगा आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू कितना हो गया थ्री, आई का वैल्यू थ्री। यहाँ कंडीशन चेक करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप में आ जाएगा इनर लूप, और इनर लूप में फिर हमारा जे जो है वन से शुरू होगा। जे कहाँ से शुरू होगा, वन से, वन से। तो फिर वन लेस देन कहाँ तक जाएगा, वन लेस देन इक्वल टू हमारा आई का वैल्यू कितना है थ्री, अब यहाँ थ्री हो जाएगा। तो हमारा अब कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये तीन बार ही हमारा क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। तो वैसे ही आप देख लो यहाँ तीन बार स्टार प्रिंट हो गए। अब फिर क्या करेगा, एक हमारा एंडल प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ आई का वैल्यू कितना हो गया फोर, तो फोर लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर हमारे कहाँ तक जाएगा, वन से लेकर लेस देन इक्वल टू आई तक, आई का वैल्यू कितना हो गया फोर, मीन्स वन से लेकर अब फोर तक जाएगा। तो चार बार इसको प्रिंट करेगा, तो मैं यहाँ चार बार लिख दूंगा, वन टू थ्री फोर, चार बार प्रिंट हो गया। फिर हमारा क्या करेगा, अब आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू फोर है, नहीं कंडीशन फॉल्स, फाइव जो है लेस देन इक्वल टू फोर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हमारा आउटर लूप भी क्या हो जाएगा, लूप से यहाँ बाहर आ जाएगा कंडीशन, और यहाँ कुछ नहीं है तो हमारा क्या करेगा, इतना स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, इतना क्या हो गया स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, क्योंकि यार अच्छा से एक बार समझ लोगे तो फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके प्लेसमेंट में और आपके कोडिंग राउंड में पूछा जाता है। तो प्लीज आप अच्छे से समझे, वीडियो को पॉज करके देखें, समझ में नहीं आ रहा तो पीछे करके देखें। अभी मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन इसको प्रिंट करना है, अभी हमें इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोड लिखूंगा, आपको कोड मेरे साथ लिखना है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको बहुत सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे और आपको मज़ा आएगा सो अलग, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि आप मेरे साथ कोडिंग करो, क्योंकि बहुत सारा डाउट जो आपका है यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिक, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको तो लिखना ही लिखना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिखूँगा एक, मैं यूजर से नंबर इनपुट ले लूँगा, मैंने क्या किया एक यूजर से नंबर इनपुट ले लिया। और मैं क्या करूँगा यहाँ, और मैं फोर लूप चलाऊँगा, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, नीचे जाऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, फोर एक इनर लूप चलाऊंगा, फोर इंट जे इक्वल टू वन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जे लेस देन कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू आई तक, क्यों, क्योंकि जितना हमारा रो नंबर है उतना ही हमको स्टार प्रिंट करना है, जितना हमारा रो नंबर है उतना ही हमको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। और सी आउट मुझे क्या करना है, स्टार को प्रिंट कर देना है स्टार, और मुझे मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा मुझे दिखे कोड। और मैं क्या करूँगा, न्यू लाइन में जाने के लिए एंडल यहाँ लिख दूंगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा। और रन करने से पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पैटर्न नंबर वन है इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, इसको क्या करूँगा कमेंट, इसको कमेंट में कर देता हूँ, नहीं तो अभी एरर थ्रो कर देगा बहुत भयंकर वाला। और कंट्रोल प्लस में एस कर दूंगा, ये हमारा कोड है, इसका इसका हमारा कोड क्या है, ये है, आप इसको काफ़ी ध्यान से देख लो। हालांकि मैं सारा का सारा जो कोड है अपने टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसका आप ज्वाइन कर लो, वहीं पे कोड सारा का सारा मिल जाएगा, या फिर यहीं से पॉज करके आप लिख लो। अब मैं क्या करूँगा रन, और जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे से मांगेगा इनपुट, मैं इनपुट दे देता हूँ फोर, और जैसे ही मैं फोर दूंगा तो मेरे पास आ गया, अच्छा एक मिनट, शायद मैंने कंडीशन गलती लिख दिया,
मैंने क्या लिखा है, कंडीशन गलती लिख दिया है। देखो आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा जे प्लस प्लस, तो कंट्रोल प्लस एस ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है जे, क्योंकि यहाँ मैंने जे इक्वल टू वन लिखा है, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ठीक। मैं इसको रन करूँगा और जैसे ही मैं रन करूँगा मैं यहाँ इनपुट दूंगा फोर, और जैसे ही मैं फोर दूंगा तो आपको आउटपुट अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको आउटपुट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी कोड हमारा ये है, इसको आप देख लो। अब मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट डालकर देखूंगा कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। फिर मैं क्लिक करूँगा और इस पर डाल दूंगा, जैसे मैं 10 डाल लेता हूँ 10, तो देखो 10 के लिए भी हमारा इनपुट, हमारा आउटपुट आ गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आउटपुट आ रहा है और कैसे चीज़ें काम कर रही है, इतना आपको समझ में आ गया। मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट आउट अभी ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, फिर चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर पैटर्न, काफ़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे एडवांस की तरफ ले चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं डायरेक्ट अभी बहुत भारी प्रोग्राम बना दूंगा, बटरफ्लाई पैटर्न या फिर स्वास्तिक पैटर्न, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। तो आपको क्या करना है, काफ़ी ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान समझना है। क्या लिखा है, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसका नंबरिंग कर देता हूँ। रो हमारा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल हमारा लाइन है, हॉरिजॉन्टल ये हमारा क्या है रोज, तो रो नंबर वन टू थ्री। ये हमारा क्या है, जो वर्टिकल है कॉलम, ये हमारा वन टू थ्री। काफ़ी ध्यान से समझने की बात है, ठीक है, तो समझते रहो। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं रोज, ये हमारा क्या है रोज, एक दो तीन, ये हमारा क्या है रोज है, ये हमारा रोज है। कॉलम क्या है, जो वर्टिकली रहता है, वर्टिकली हमारा क्या है कॉलम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा कॉलम है वन टू थ्री, ये हमारा क्या है कॉलम, वन टू थ्री कॉलम है, वन टू थ्री कॉलम है, वन 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 पहले का रोज, टू 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 दूसरा रोज, थ्री 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 तीसरा रोज। इसमें हमें क्या करना है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें भी रोज और कॉलम का कंसेप्ट है, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा रोज होता है उसके लिए हमें आउटर लूप चलाना पड़ता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा रोज होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आउटर लूप चलाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा फोर, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। चूंकि यहाँ रोज जो हमारा है और कॉलम है दोनों तीन तीन है, तो मैं एन इक्वल टू मान लूंगा थ्री, एन इक्वल टू हमारा क्या है थ्री है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ वेरिएबल लिख दूंगा लेस देन एन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस। और मैं यहाँ अब लेस इक्वल टू एन क्यों लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि यार जो हमारा वन है, वन इसमें भी हमें तीन तीन वैल्यू चाहिए, मतलब जितना एन है, एन अगर थ्री है तो हर एक रोज के लिए हमें तीन वैल्यू चाहिए, रो नंबर वन इसके लिए तीन वैल्यू, रो नंबर टू इसके लिए तीन वैल्यू, रो नंबर थ्री इसके लिए तीन वैल्यू, हर एक रोज के लिए हमें तीन वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, जे लेस देन इक्वल टू एन लिख दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले मुझे स्टार प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ क्या लिखता था, स्टार लिखता था, मैं यहाँ क्या लिखता था स्टार, लेकिन अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे अभी क्या प्रिंट करना है, मुझे अभी प्रिंट करना है वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री। मैंने आपको एक चीज़ बताया है, मैंने आपको एक चीज़ क्या बताया है, जो आउटर लूप होता है, आउटर लूप वो क्या प्रिंट करता है रोज को, जो इनर लूप होता है, ध्यान समझो, जो इनर लूप होता है उसको प्रिंट करता है कॉलम को। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, रो नंबर जो वन है, जो रो नंबर वन है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि रो नंबर वन में आपको सिर्फ वन प्रिंट करना है, रो नंबर टू में आपको सिर्फ टू प्रिंट करना है और रो नंबर थ्री में आपको सिर्फ थ्री प्रिंट करना है। मींस क्या, आपको रो प्रिंट करना है, आप क्या करना है रो कि जो रो नंबर वन है, जैसे रो नंबर हमारा वन आ रहा है वन, तो वन में ये लूप हमारा कितने बार चलेगा, एन बार, तो एन बार हमें क्या प्रिंट करना है, वन को प्रिंट करना है, वन को। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा आई, मैं क्या लिखूंगा आई, मुझे क्या प्रिंट करना है आई, और फिर यहाँ क्या लिखूंगा मैं हैंडल, मैं क्या लिखूंगा हैंडल। अब बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो हमारे रोज को प्रिंट करता है और जो इनर लूप होता है वो हमारे कॉलम को प्रिंट करता है। तो हमारा रोज क्या है, वन टू थ्री, और जो हमारा रो वन है वन, इसमें सिर्फ वन को प्रिंट करना है, जो रो टू है इसमें सिर्फ दो को प्रिंट करना है, जो रो थ्री है इसमें सिर्फ थ्री को प्रिंट करना है।
तो कैसे प्रिंट होगा, तो मैं देख रहा हूँ जब रो वन के लिए मैं चला रहा हूँ, हमारा क्या है रो वन के लिए चल रहा है, रो वन के लिए हमारा लूप चलेगा कितना, वन से लेकर एन तक। तो वन के लिए हमारा जो इनर लूप है कितना बार चल रहा है, लेस देन एन तक, मीन्स 3 बार। अगर एन इक्वल टू 3 है तो ये 3 बार चलेगा। तो 3 बार चलेगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है आई का वैल्यू, क्योंकि वन के लिए हमें सिर्फ वन प्रिंट करना है 3 बार। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ आई प्रिंट कर दूंगा। अगर यहाँ फिर आई इक्वल टू हो जाएगा तो उस समय फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, आई जब यहाँ टू हो जाएगा तो उस समय भी हमें 2 ही प्रिंट करना है 3 बार, तो आई रहेगा तभी ना प्रिंट होगा। तो जब हमारा सिर्फ वन रहता है, यहाँ सिर्फ 2 रहता है, यहाँ सिर्फ 3 रहता है, मतलब रो नंबर को हम प्रिंट कर रहे हैं, हम सिर्फ रो को ही प्रिंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। अभी मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारा आई कितना है, आई इक्वल टू हमारा 1 है, और जे इक्वल टू कितना है, 1 है। आई इक्वल टू 1, आई लेस इक्वल टू एन, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा जे हमारा कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से, 1 हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा, आई कितना है 1, तो 1 1 हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा क्या है आउटपुट, 1 1 हमारा आ गया। अब करेगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या प्रिंट करेगा, आई को, आई कितना था हमारा 1, तो एक बार और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया, 3, कंडीशन चेक चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट करना है, आई, आई कितना था 1, 1 को प्रिंट कर दो। फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया, 4, कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा और आ जाएगा यहाँ, कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2, कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर जे हमारा 1 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक। जे का वैल्यू हमारा फिर से कहाँ से होगा, 1, कहाँ तक चलेगा, 3 तक, और 3 तक चलेगा तो उस बीच हमारा क्या प्रिंट होगा, आई, आई का वैल्यू कितना है, 2, आई का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 हमारा कितना बार प्रिंट होगा, 1 से लेकर 3 तक, मीन 3 बार। तो 2 यहाँ 3 बार प्रिंट हो जाएगा, 2 2 2। फिर हमारा क्या करेगा, एंडल करेगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। तो फिर हमारा क्या करेगा, आई प्लस प्लस, जे आई का वैल्यू 3 हो गया, 3 लेस इक्वल टू 3, तो उसके लिए हमें कितना बार चलेगा, फिर 3 बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, आई, आई का वैल्यू कितना है, 3, तो तीसरा लाइन में क्या प्रिंट करेगा, 3 3 टाइम्स। फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा 4, अब कितना हो जाएगा, 4, तो 4 लेस इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन क्या है, फॉल्स, कंडीशन जब हमारा फॉल्स है तो लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर कुछ नहीं है तो इतना हमारा स्क्रीन पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, इतना हमारा स्क्रीन पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मैं आशा करता हूँ आपको जो प्रोसेस मैंने बताया है समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि आपको समझना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको कोई बात नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अभी मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इस पैटर्न को अब क्या करना है, प्रिंट करना है, इस पैटर्न को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट होगा, काफ़ी आसान है, कैसे होगा, हैज इंक्लूड, आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो लिखना ही लिखना है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो जितना डाउट आपको आने वाला है एक भी डाउट नहीं आएगा, और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा वो अलग, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंट मेन, और मैं क्या करूंगा यहाँ, इंट एक एन ले लूंगा और सी इन एन ले लेता हूँ, और मैं क्या करूंगा, फोर लूप चला दूंगा, फोर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। फिर मैं क्या करूंगा, फोर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस प्लस। फिर मैं क्या करूँगा, सी आउट, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे इस बार प्रिंट करना है, इस बार मुझे प्रिंट करना है 1 रो के लिए सिर्फ 1, 2 रो के लिए सिर्फ 2, और रो 3 के लिए सिर्फ 3। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, आई फॉलोड बाई कौन सी, फॉलोड बाई हमारा स्पेस बैटरी सेवर इज ऑन। क्या करूँगा, इसको चार्ज लगा दूंगा, 1 मिनट, इसको चार्ज लगा देता हूँ, ठीक है, चार्ज मिलेगा।
मुझे आई को प्रिंट करना है और मुझे न्यू लाइन को भी प्रिंट करना है, तो मैं लिख दूंगा सी आउट एंडल, कंट्रोल प्लस एस करूंगा, सेव करूंगा, इसको क्या करूंगा रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा मुझसे इनपुट मांगेगा, मैं यहाँ डालूंगा 3 और 3 डालूंगा तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और यही हमें प्रिंट करना है। आपको कोड की टेंशन नहीं लेना है, कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मैं सारा का सारा कोड जितना भी मैं 32 प्रोग्राम बनाने वाला हूँ सब पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो दूसरे आउटपुट पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे इनपुट पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं डाल दूंगा यहाँ जैसे 6, तो देखो 1 से लेकर 6 तक आपको यहाँ दिखेगा, 1 से लेकर 6 तक कोड सेम सेम यही रहेगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा कमेंट, क्योंकि मैं सारा का सारा कोड आपको देने वाला हूँ एक ही प्रोग्राम में, मैं सारा का सारा कोड यहाँ लिख दूंगा और आपको दे दूंगा। और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है ए, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ए है, तो मैं चलता हूँ पहले आपको समझाता हूँ उस पर। और देखो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ए है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, काफ़ी आसान है। मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी आप एक चीज़ यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, रोज, इसको क्या बोलते हैं, रोज, रोज नंबर 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा वर्टिकल रहता है इसको कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, 1 2 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि जो हॉरिजेंटल रहता है उसको हम बोलते हैं रोज और जो वर्टिकल रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और आपको एक चीज़ और समझ में आया है क्या, कि जो हमारा रोज होता है रो, उसको आउटर लूप के हेल्प से हम प्रिंट करते हैं। अब आउटर लूप क्या होता है, जो हमारा बाहरी लूप होता है, जो बाहर में हम यूज करते हैं, और उसके अंदर जो हम लूप करते हैं यूज, उसको बोलते हैं इनर लूप। तो जो हमारा रोज होता है रोज, उसको आउटर लूप प्रिंट करता है, आउटर लूप, और जो हमारा कॉलम होता है कॉलम, इसको इनर लूप प्रिंट करता है। इतना समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू मैं मान लूंगा 3 है, क्योंकि यहाँ 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो एन हमारा कितना है, 3। तो मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लगाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, एन तक, और आई प्लस प्लस, और रो कहाँ तक जाएगा हमारा, 3 तक, कॉलम कहाँ तक जाएगा, ए बी एन तक जाएगा, ए बी 3 है। तो मैं एक चीज लिख दूंगा यहाँ, फोर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर आओ तो क्या प्रिंट करो, पिछले बार हमने क्या लिखा था, यहाँ सिर्फ 1 1 1 था, 2 2 2 3 3 3, तो हम क्या प्रिंट किए थे, आई को प्रिंट कर दिए थे। लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ क्या, कि मुझे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ जे को प्रिंट कर दूंगा, जे और फॉलोड बाई स्पेस। अब जे क्यों करूँगा, जे हम क्यों करूँगा, अभी मैं बता देता हूँ और फिर हमारा सी आउट हो जाएगा। जे इसलिए करूंगा कि जब मैं आई इक्वल टू 1 करूंगा, 1 1 के लिए हमारा जे कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर n तक, मीन्स 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो हर एक बार 1 प्रिंट कर देगा, एक बार 2 और एक बार 3। वैसे ही आई इक्वल टू 2, मैं 2 करूंगा तो 2 के लिए भी हमारा 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो फिर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट कर देगा। और जब हमारा आई इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 के लिए भी जो हमारा इनर लूप है वो 3 बार चलेगा और 1 से लेकर 3 तक उसमें भी प्रिंट कर देगा। अभी मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मार्कर सेलेक्ट करूँगा और ड्राई रन करूँगा। आई इक्वल टू कितना है, 1, जे इक्वल टू कितना है, 1, आई इक्वल टू कितना है, 1, जे आई लेस नहीं कितना है, एन, तो 1 लेस इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, और ये लूप हमारा 1 से लेकर n तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक, तो जे इक्वल टू कितना है, 1, 1 लेस इक्वल टू 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा और जे को प्रिंट कर देगा, जे कितना है, 1, तो 1 को क्या कर देगा, यहाँ आउटपुट में 1 को प्रिंट कर देगा। और फिर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो जे को प्रिंट कर देगा, जे कितना था हमारा, 2, अब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया, 3, जे का वैल्यू कितना हो गया, 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, फिर क्या करेगा, जे को प्रिंट कर देगा, जे का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 को हमारा क्या हुआ, प्रिंट कर देगा। फिर हमारा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,
यहाँ कंडीशन चेक करेगा, फोर लेस इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा और आ जाएगा कर्सर यहाँ न्यू लाइन में, ठीक है। और फिर हमारा आई हो जाएगा प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू वन से बढ़कर कितना हो जाएगा टू, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा टू। अब टू लेस देन इक्वल टू थ्री, जो टू है लेस देन है इक्वल टू थ्री है, हाँ कंडीशन टू है, कंडीशन टू है तो फिर इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आएगा तो फिर आई वन से शुरू होगा थ्री तक जाएगा, वन से शुरू होगा थ्री तक जाएगा तो फिर वही प्रोसेस करेगा और एक से लेकर तीन तक फिर से प्रिंट कर देगा, तो वन टू थ्री। और फिर जब यहाँ जे प्लस प्लस होगा, जब फोर होगा तो फिर से बाहर आएगा और नया लाइन प्रिंट कर देगा और कर्सर आ जाएगा फिर यहाँ। अब क्या करेगा फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जब ट्रू है तो फिर जे वन से शुरू होगा हमारा एन तक जाएगा, वन से शुरू होगा और एन तक जाएगा और इसको क्या कर देगा फिर वन से लेकर थ्री तक प्रिंट कर देगा, तो क्या करेगा वन टू थ्री, ये हमारा प्रिंट कर दिया, ये हमारा क्या हुआ प्रिंट कर दिया। फिर हमारा क्या होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर, और जैसे फोर होगा तो फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन क्या है फॉल्स, फोर हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू थ्री है, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और आ जाएगा यहाँ, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारा इतना वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री स्क्रीन पर क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसको हमें प्रिंट करना है, ए है हमारा पैटर्न नंबर फोर, मैं आपको 32 पैटर्न सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के बाद किसी भी टाइप के पैटर्न आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने मेरा सारा का सारा वीडियो बाई हार्ट देख लिया तो किसी भी टाइप का पैटर्न हो आप उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एनालाइज करके। आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, सिर्फ कोड नहीं बताया जा रहा है, आपको करके दिखाया जा रहा है कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो देखो इसको प्रिंट करना काफ़ी आसान है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस आता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो उसको पहले आपको लिखना है, लिखना है इसको आपको क्या करना है लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर आपको क्या लिखना है इंट मेन के बाद क्या लिखना है आपको एक यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा सी इन एन और मैं फोर लूप चलाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ये हमारा क्या है आउटर लूप जो रो को प्रिंट करता है, इसके अंदर हमें चाहिए एक इनर लूप जो कॉलम को प्रिंट करेगा, इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जे को प्रिंट करना है, मुझे क्या करना है जे को प्रिंट करना है और स्पेस को, जे को क्यों, क्योंकि यार प्रत्येक आई के लिए, प्रत्येक वैल्यू ऑफ आई के लिए जे हमारा एन टाइम्स रन करेगा और उसी को प्रिंट करना है, वन टू थ्री तो एन टाइम्स रन कर रहा है तो उसी को प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ आई को प्रिंट कर दूंगा तो फर्स्ट रो में सिर्फ वन आ जाएगा, सेकेंड रो में सिर्फ टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ वन टू थ्री सब में एक चीज़ को प्रिंट करना है, तो एक चीज़ को प्रिंट करना तो कैसे होगा, उतना बार ही हमारा इनर लूप रन कर रहा है, जे वैल्यू हमारा वन है तो ये तीन बार लूप रन कर रहा है, जे का वैल्यू आई का वैल्यू हमारा टू है फिर भी जे हमारा ये लूप जो है तीन बार रन कर रहा है, तो हमें जे को प्रिंट करना पड़ेगा। और यहाँ सी आउट एंडल, सी आउट एंडल कंट्रोल प्लस एस करूँगा, एक कोड आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो कोड के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको रन कर दूंगा, रन करूँगा और जैसे ही रन करूँगा मुझसे इनपुट मांगेगा, मैं यहाँ डाल दूंगा कितना थ्री, और जैसे ही थ्री में डालूंगा तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, इसका कोड भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है आपको दिखने लगा। आप चाहें तो दूसरे इनपुट पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा दूसरे इनपुट पर इसको ट्राई करके देख लूँगा, मैं यहाँ डाल दूंगा कितना सिक्स, और जैसे मैं सिक्स डालूंगा तो वन से लेकर यहाँ सिक्स तक हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा से दिख रहा होगा लगातार, ठीक है वन से लेकर सिक्स तक आपको समझ में आ गया, आपको क्या हुआ समझ में आ गया। कोई भी अगर आपको डाउट फिर भी रह जाता है तो आपको क्या करना है कमेंट, आपको कमेंट करना है कि सर मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ समझाओ, तो मैं आपको कमेंट में भी समझा दूंगा, आपको कमेंट करना है अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब मैं चलूँगा इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन काफ़ी आसान है इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ए है हमारा नेक्स्ट पैटर्न, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अभी तक
आपने 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 प्रिंट करना जान लिया, और 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अलग है उससे मतलब नहीं है, अलग है अलग उससे मतलब है ही नहीं, आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपको लिख देना है, इतना आपको क्या करना है लिख देना है। तो आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, आपको देखना है रोज इसमें कितना है। रोज रोज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो रोज हमारा 1 2 3। कॉलम कितना है, कॉलम कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकली होता है, वर्टिकली, तो 1 2 3। रो कितना है, 1 2 3, तीन रोज है और तीन कॉलम है, आपको इतना समझ में आ गया। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका बनाने आता ही है, कि जो हमारा रो है इसके लिए हम आउटर लूप का यूज करते हैं, और जो हमारा कॉलम है जो वर्टिकल है इसके लिए हम इनर लूप का यूज करते हैं। तो मैं पहले इतना लिख दूंगा, मैं पहले इतना लिखूंगा 4, जितना आ रहा है पहले उतना लिखना है, पहले जितना आपको आ रहा है उतना लिखना है, लॉजिक अपने आप बन जाएगा। 4 in i = 1, i < n और i++। अब n क्या है, n हमारा यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि तीन नंबर ऑफ रोज हैं और तीन नंबर ऑफ कॉलम है, तो n में मान लूंगा कितना है, 3, कितना मान लिया। और फिर मैं क्या लिखूंगा, 4 inner loop int j = 1, j < n और j++। इसमें क्या प्रिंट करना है, इसमें हमें प्रिंट करना है ना ही रो को प्रिंट करना है ना ही कॉलम को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो समस्या हो गया, कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, आपको बना लेना है एक काउंट वेरिएबल। मैं यहाँ लिख दूंगा इंट काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू क्या लिखना है, 0। और यहाँ क्या करना है, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस कर देना है, और सी आउट कर लेना है क्या, काउंट और यहाँ स्पेस। मैं आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, यहाँ लिख देना है एंडर। अब काउंट क्यों लिए हैं, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ आई को प्रिंट करूंगा तो 1 1 1 आ जाएगा, अगर मैं जे को प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट में एक ऐड किया गया है, तो मैं एक नया वेरिएबल बना लूंगा जिसका नाम काउंट है, और जैसे ही मैं आई के अंदर जाऊंगा इनर लूप के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 0 से शुरू किया हूँ तो पहले इसको एक प्लस कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, और इसको प्रिंट कर लूंगा, फिर हमारा जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन हमारा चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो फिर प्लस प्लस होगा, यहाँ 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर नया लाइन में जाएगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा, 5 6। मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा, ड्राई रन, तो मैं कर दूंगा यहाँ मार्कर्स चेंज, यहाँ आई इक्वल टू हमारा है 1, जे इक्वल टू 1 और सबसे ऊपर है काउंट, काउंट इक्वल टू है 0, आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू क्या है 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई जो है 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इस फोर लूप के अंदर चला जाएगा, इनर लूप के अंदर जे इक्वल टू 1, जे लेस इक्वल टू एन, जे कितना है 1, 1 लेस इक्वल टू एन कितना है 3, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस, काउंट पहले 0 था अब कितना हो गया 1, काउंट अब कितना हो गया 1, काउंट 1 हो गया, तो सी आउट काउंट, काउंट को प्रिंट कर दो, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, सी आउट काउंट 1, यहाँ आउटपुट आ जाएगा 1, जैसे आएगा फिर स्पेस आएगा, फिर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जे का वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन चेक करेगा 2 < 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, 2 जो है < 3 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस, आई अब 1 था, प्लस प्लस मतलब 2 हो जाएगा, अब फिर काउंट को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ क्या हो गया 2, फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, जे का वैल्यू कितना है 3, और फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा 3 < 3, 3 जो है लेस देन है या फिर इक्वल टू है 3 के, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, काउंट को यहाँ क्या करना है प्रिंट कर देना है, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे इक्वल टू प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 4, अब जे का वैल्यू कितना हो गया 4, यहाँ कंडीशन चेक करेगा 4 < 3, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा और सी आउट एंडल, एक नया लाइन क्या करेगा प्रिंट कर देगा, एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और हमारा कर्सर आ जाएगा यहाँ, कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये तो हमारा काम खत्म हो गया, और फिर आई प्लस प्लस, आई को बढ़ा देगा, अब आई का वैल्यू कितना हो गया 2, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, कंडीशन यहाँ चुप चेक करेगा 2 < 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू है 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या फिर इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आके क्या करेगा, फिर जे हमारा 1 से शुरू होगा,
जी हमारा वन वन लेस इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तब क्या करेगा, काउंट हमारा थ्री तक था प्लस प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा फोर, काउंट हमारा थ्री था प्लस प्लस कर देगा कितना हो जाएगा फोर, और फोर को यहाँ क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, फोर क्या कर देगा प्रिंट। वैसे ही जे प्लस प्लस, अब जे का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर टू हो जाएगा, फिर जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, वन से शुरू हुआ तब टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, इधर आएगा काउंट प्लस प्लस करेगा, अब काउंट का वैल्यू फाइव हो जाएगा फिर यहाँ फाइव प्रिंट कर देगा। वैसे ही आई प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आएगा प्लस प्लस कर देगा, काउंट का वैल्यू सिक्स हो जाएगा, यहाँ सिक्स प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, न्यू लाइन में आएगा। और फिर वैसे ही अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, इस बार भी कंडीशन हमारा ट्रू है तो फिर जाएगा तीन बार और प्रिंट कर देगा इसको, सेवन एट नाइन, और इसके बाद जब जाएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा कितना फोर, और फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा आएगा इसके नीचे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमारा स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अभी मुझे क्या लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अभी मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाऊंगा, और आपको इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कोड आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। कोड के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोड मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, मैं सारा का सारा जो कोड है एक ही फाइल में बनाकर टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा से कोड को यूटिलाइज कर पाएंगे और आपको मज़ा आ पाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ और आपको यहाँ कोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस जो लिखना आना चाहिए, जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप सी प्लस प्लस एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर सी प्लस प्लस का एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं एकदम बेसिक में, जैसे मैं यहाँ आपको एकदम मज़ा से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वहाँ मैंने काफ़ी मज़ा से पढ़ाया है, तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इस प्रोग्राम को इंजॉय करो, और मैं तो कहूँगा यार मेरे साथ आप कोड करो, मेरे साथ कोड करोगे तो आपको बहुत सारा डाउट तो अभी ही क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट रहेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, आई को एन तक चला दूंगा, एन तक, और आई प्लस प्लस, फिर मैं क्या करूँगा फोर को इनर लूप जो हमारा है इसको जे वन से लेकर कहाँ तक चला दूंगा, जे लेस देन इक्वल टू एन तक, और जे प्लस प्लस। इसको करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं एक काउंट वेरिएबल यहाँ बना लूँगा क्योंकि मुझे काउंट को ही प्रिंट करना है, इंट, इसको मैं डाल लूँगा जीरो, इसमें जीरो से इनिशियलाइज कर दूँगा, और पहले मुझे काउंट यहाँ प्लस प्लस कर देना होगा क्योंकि पहले इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगा तब तो मुझे प्रिंट करना है। तो सी आउट में क्या करूँगा काउंट, काउंट करूँगा और एक स्पेस, ठीक है। फिर मैं नीचे जाऊँगा इसको क्या करूँगा एक न्यू लाइन दे दूँगा, नहीं तो मेरा सारा का सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। अब कंट्रोल प्लस एस करूँगा, अब मैं इसको रन करके देखूंगा, जैसे ही मैं रन करूंगा और मैं यहाँ नंबर डालता हूँ थ्री, तो आप देख पा रहे होगे क्या कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यही हमारा आउटपुट है और यही हमें चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। इसके अलावा आप और भी नंबर डाल सकते हो, जैसे मैंने थ्री डाला है तो आप दूसरे इनपुट पर ट्राई कर सकते हो, जैसे मुझे फाइव चाहिए, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह आपका आउटपुट आ गया, आप जितना नंबर बचा है उतना आप कर सकते हो, इसका कोड ए रहा, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं करूँगा इसको कमेंट आउट, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है ए, मैं चलूँगा आपको इसको भी समझाऊंगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा देने की ज़रूरत है, आप यहाँ क्या प्रिंट करना है, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो मैं आपको एक चीज़ बताते आ रहा हूँ क्या, कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रोज, रोज बोलते हैं, रोज कितना है वन टू थ्री फोर, इसमें कितना है चार रोज है, चार रोज है, और कलम कितना है, कलम वर्टिकली लाइन को बोलते हैं, तो हमारा कलम है वन टू थ्री फोर। अभी मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप क्लियर विजुअल हो जाए कि क्या करना है हमें, ठीक है। देखो हमें क्या करना है,
पहला जो हमारा रो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट करना है वन, जो दूसरा रो है इसमें दो एलिमेंट को प्रिंट करना है एक टू और थ्री, जो तीसरा रो है इसमें थ्री फोर फाइव, और जो चौथा रो है जो है उसमें क्या करना है फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कैसे प्रिंट होगा सवाल है कैसे। तो मैं आपको एक चीज बताते आ रहा हूँ कि जो रो है उसके लिए हम आउटर लूप लगाते हैं, मैं क्या करता हूँ उसके लिए आउटर लूप लगाता हूँ, और जो हमारा कॉलम है उसके लिए मैं इनर लूप लगाता हूँ। तो रो हमारा कितना है फोर, कॉलम हमारा कितना है फोर, तो मैं एन इक्वल टू कितना मान लूंगा फोर, एन क्या है नंबर ऑफ रो, जब नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है तो मैं एन इक्वल टू फोर मान लूंगा, और मैं चलाऊंगा आउटर लूप। सबसे पहले मैं आउटर लूप चलाऊंगा फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू वन, एन और आई प्लस प्लस, फिर मैं क्या करूंगा इनर लूप चलाऊंगा फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि लेस देन इक्वल टू आई क्यों लिखा हूँ, लेस देन इक्वल टू आई इसलिए लिखा हूँ जो हमारा फर्स्ट बार लूप चल रहा है जो आउटर लूप वन है, वन वन है, तो जो हमारा इसके लिए कॉलम कितना है वन है। अगर हमारा रो वन है तो कितना कॉलम है इसमें, कॉलम सिर्फ वन ही है, एक कॉलम हमारा नहीं है, एक कॉलम हमारा खाली है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू मैं आई किया हूँ कि जो हमारा आई इक्वल टू चल रहा है, टू आई इक्वल टू जब टू है तो इसमें दो कॉलम है एक दो, दोनों कॉलम यहाँ तक है तो फिर यहाँ टू हो जाएगा। ठीक है अभी आपको समझ में आ गया। अभी सी आउट हमें क्या करना है, हमें सी आउट क्या करना है इसको यहाँ लिखना है, और फिर मुझे क्या करना है सी आउट एक नया लाइन एंड। तो अब यहाँ आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, आपको ड्राई रन करना पड़ेगा कि मैं क्या यहाँ लिखूंगा तो वन हमारा प्रिंट होगा, मैं क्या लिखूंगा कि दूसरे लाइन में हमारा टू और थ्री प्रिंट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ मैं ड्राई रन करके देखूंगा, यहाँ मैं कर लूंगा आई प्लस जे माइनस, अगर वन करता हूँ तो आई का वैल्यू यहाँ कितना है वन, जे का वैल्यू कितना है वन, तो वन प्लस वन माइनस वन कर जाएगा तो वन, यहाँ वन प्रिंट हो गया सही दिख रहा है। इसके लिए मैं देखता हूँ इसके लिए आई कितना है टू प्लस वन, तो टू प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा टू, यहाँ टू प्रिंट हो गया कोई बात नहीं। इसके लिए मैं देखता हूँ इसके लिए आई का वैल्यू कितना है टू, जे का वैल्यू कितना है टू, आई प्लस जे माइनस वन कितना हो जाएगा टू प्लस टू फोर माइनस वन थ्री, यहाँ थ्री प्रिंट हो गया। ठीक है मैं इसके लिए देखता हूँ, इसके लिए अगर काम कर गया तो काम कर जाएगा, मैं क्या लिखूंगा आई, आई का वैल्यू कितना है थ्री प्लस वन कितना है वन माइनस वन, इतना समझ में आ गया कर जाएगा कितना हो जाएगा थ्री, थ्री यहाँ आ गया, थ्री यहाँ क्या हुआ आ गया, मैं इसके लिए देखूंगा थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन फोर यहाँ आ गया, मतलब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है आई प्लस जे माइनस वन। अब यहाँ बहुत सारे लोग हमेशा के लिए कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोग क्या हो गए कंफ्यूज हो गए कैसे, यहाँ देखो अगर वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन प्रिंट करना रहता तो मैंने आपको बताया है कि काउंट वेरिएबल आपको ले लेना है और उसको प्रिंट कर देना है और उसको बढ़ाते जाना है, लेकिन वैसा आपको प्रिंट नहीं करना है, आपको क्या प्रिंट करना है वन इसमें, इसमें टू थ्री, इसमें थ्री फोर फाइव, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन, इसको एक जो थ्री है उसको फिर यहाँ ला दिए, फोर है फिर इसको यहाँ ला दिए। तो उसके लिए हमें ड्राई रन करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ आई और जे में, मैं क्या इसमें मैं कुछ बना रहा हूँ आई और जे में, अगर मैं कुछ छेड़खानी कर रहा हूँ तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे आपको देखना है, ऐसे आपको देखना है, आपको क्या करना है ऐसे देखना है। तो जैसे आप देखोगे तो क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि आई प्लस जे माइनस, में आई प्लस जे माइनस वन करता हूँ तो आपको रिजल्ट आ रहा है, तो आई का वैल्यू अगर थ्री है, जे का वैल्यू वन है, थ्री प्लस फोर माइनस वन थ्री यहाँ आ गया, तो आपको क्या प्रिंट करना है आई प्लस जे माइनस वन, इतना आपको क्या करना है प्रिंट करना है। और अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करो फिर से देखो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझोगे अभी तो फिर इंटरव्यू में, इंटरव्यू अगर पूछ दिया नहीं आएगा बेइज्जती हो जाएगा, सिलेक्शन में नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगा यार अच्छा समझो, मैंने बहुत अच्छा से बताने की कोशिश किया है, प्लीज अच्छा समझो, समझ में नहीं आता है वीडियो को पीछे करो फिर से देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है मैं ट्राई रन करके दिखा देता हूँ, तो आई इक्वल टू हमारा कितना है वन, आई इक्वल टू कितना है वन, मैं एक मार्कर चेंज कर लूंगा पहले, आई इक्वल टू क्या है वन, आई इक्वल टू वन, आई लेस इक्वल टू एन, आई का वैल्यू वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन हमारा ट्रू है, लेस इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू कितना है फोर, यहाँ मैं फोर लिख दूंगा, कंडीशन हमारा ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो जे इक्वल टू वन से शुरू होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई इक्वल टू वन और जे इक्वल टू वन, जे वन से शुरू हो रहा है, जे लेस इक्वल टू आई वन तक जाएगा, वन तक, तो वन लेस इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन टू है तो क्या प्रिंट करना है आई प्लस जे, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है वन, जे का वैल्यू है वन, वन प्लस वन माइनस वन, वन प्लस वन, तो वन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा कितना जाएगा वन, तो वन को प्रिंट कर दो।
वन को प्रिंट कर दो, स्पेस को प्रिंट कर दो, फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस करोगे तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा दो। और जैसे यहाँ चेक करोगे टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो न्यू लाइन प्रिंट कर दो और आ जाओ यहाँ आ जाओ। फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जाएगा टू, टू लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ आएगा जे वन से चलेगा कहाँ तक, जे लेस देन इक्वल टू टू तक, क्योंकि आई का वैल्यू अब टू हो गया, अब टू तक चलेगा। सबसे पहले आएगा वन, वन लेस इक्वल टू टू, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है इसके अंदर आएगा और इसको करेगा आई प्लस जे, आई का वैल्यू कितना है टू, टू प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ टू प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, टू लेस इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू है। इधर आएगा क्या करेगा आई प्लस जे माइनस वन, आई का वैल्यू कितना है टू, जे का वैल्यू कितना हो गया टू, टू प्लस टू फोर, माइनस वन थ्री, तो यहाँ थ्री प्रिंट हो गया। वैसे ही फिर आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री। आपको मैं काफ़ी अच्छे से ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा वीडियो को देखने के बाद। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब बैंड बजा देंगे, आपको लगेगा सर कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन होता है, अपना लोगे ठीक है। वैसे ही मैं करूँगा इसको थर्ड लाइन में, तो क्या होगा थर्ड लाइन में आई इक्वल टू थ्री हो गया, यहाँ फिर जे वन से शुरू होगा और थ्री तक जाएगा, तो थ्री प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ थ्री, फिर यहाँ फोर हो जाएगा, फिर यहाँ फाइव। वैसे ही नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन, और उसके बाद जो हमारा आई हो जाएगा आई इक्वल टू फाइव हो जाएगा, और जैसे फाइव होगा कंडीशन फॉल्स होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और इसको क्या करेगा स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, इसको क्या करेगा स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको चीज़ें क्या हो जाए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पैटर्न, पैटर्न नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पैटर्न हमारा कौन है, पैटर्न हमारा ए है, ठीक है, पैटर्न ए है, पैटर्न ऊपर नीचे हो गया उसमें कोई बात नहीं, आपको इस पैटर्न को समझना है, ठीक है। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स सेवन, काफ़ी आसान लेवल का पैटर्न है, क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको भारी लगता है, ठीक है। देखो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और इंट मेन, इतना तो आपको लिखना है, लिखना है, और फिर आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, एक नंबर, तो सी इन आपको लिखना जरूरी हो जाता है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा फोर लूप चलाने का पड़ेगा, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, फिर आपको एक इनर लूप चलाना पड़ेगा फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा आई तक, और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या प्रिंट करना है सी आउट, कोस्ट के अंदर लिख दो आई प्लस जे माइनस वन, इतना आपको प्रिंट करना है। आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है कि आपको कैसे आप करेंगे तो ये चीज़ें आपसे प्रिंट हो पाएंगी, एंडल इतना आपको दे गया, इतना आपको क्या देगा कंट्रोल प्लस में एस करूँगा और इसको रन करूँगा, और जैसे ही रन करूँगा मुझसे इनपुट मांगेगा तो मैं डाल दूँगा यहाँ क्या फोर, और जैसे ही मैं फोर डालूंगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स सेवन, आप दूसरे इनपुट पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, इतना आपको समझ में आ गया। मैं क्या करूँगा इसको कमेंट आउट कर दूंगा, मैं इसको करूँगा कमेंट आउट और इसको मैं सेव कर दूंगा, और चलूँगा मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, मैं आपको ले चलूँगा नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या करना है इसमें दिमाग लगा देना है। क्वेश्चन है वन टू वन, थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, सेम टू सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखूंगा पहले वन टू वन, थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन। तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसे क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इतना आपको पता है। तो रोज कितना है वन टू थ्री फोर, रोज कितना है हमारा वन टू थ्री फोर, इतना आपको समझ में आ गया। और कॉलम कितना है वन टू थ्री फोर, कॉलम भी हमारा कितना है फोर,
इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी आपको एक चीज और समझना है कि जो रोज होता है उसको हम आउटर लूप के हेल्प से प्रिंट करते हैं, और जो हमारा कॉलम होता है वो हमारा इनर लूप के हेल्प से प्रिंट होता है। इतना आपको समझ में आया है? तो पहले उतना लिखो, मैं यहाँ लिखूंगा फोर हिंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू क्या एन, और आई प्लस प्लस। अब एन क्या है यहाँ, नंबर ऑफ रोज कितना है फोर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फोर, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर। नंबर मान लेता हूँ मैं फोर है, यहाँ चला गया। फिर मैं क्या करूँगा फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है इसको जानना है। पिछले मैंने क्या किया था, यहाँ था दूसरा पैटर्न था, थोड़ा सा अलग पैटर्न था, आप यहाँ देख सकते हो वन टू थ्री थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स से, लेकिन यहाँ क्या है वन टू वन थ्री टू वन फोर थ्री टू वन, इसको पलट दिया गया, इसको क्या किया है पलट दिया गया है। तो कैसे होगा सवाल है, सवाल है कि कैसे होगा, काफी विचित्र सवाल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहली बार मुझे वन प्रिंट करना है वन, तो मुझे बहुत सारा ड्राई रन करना पड़ेगा, पहली बार मुझे क्या करना है वन प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं यहाँ लिखूंगा आई आई माइनस जे प्लस वन। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो आई का वैल्यू कितना है यहाँ वन, पहला बार में यहाँ के लिए क्या हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है वन, वन जे का वैल्यू कितना है वन प्लस वन, ये दोनों कट जाएगा वन हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वन आ गया, यहाँ हमारा वन आ गया, यहाँ हमारा वन आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ यहाँ देख लो क्या होता है, टू प्लस वन टू माइनस वन प्लस वन, टू में से वन गया वन प्लस वन टू, यहाँ टू आ गया। चलो यहाँ तक भी सही है, अभी देखो आई प्लस जे आई माइनस जे, तो टू माइनस टू प्लस वन, यहाँ टू है प्लस टू है माइनस वन, टू से टू खत्म, यहाँ वन आ गया, यहाँ भी सही है। अब यहाँ देख लेता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आई का वैल्यू कितना है थ्री, थ्री माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट जाएगा थ्री, सही है यार पकड़ लिया मैंने, यहाँ की टू आना चाहिए, तो आई का वैल्यू कितना है थ्री, थ्री माइनस यहाँ टू, थ्री माइनस टू प्लस क्या वन, थ्री माइनस टू कितना है वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। अरे यार, तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपको ड्राई रन करते जाना है और देखना है कैसे कैसे आप पैटर्न को ला सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्या करना है आई माइनस जे प्लस वन, आई माइनस जे प्लस वन आपको लगा देना है, यहाँ क्या करना है सी आउट आई माइनस जे प्लस वन, आई माइनस जे प्लस वन को प्रिंट करना है फॉलोड बाई स्पेस, और आपको फिर एक न्यू लाइन तो प्रिंट करना ही है क्योंकि नया लाइन में जाना है, तो इतना आपको प्रिंट कर देना है। अब कैसे काम करेगा, मैं ले लूँगा थोड़ा सा इरेजर, और इरेजर लेने के बाद मैं यहाँ मिटाऊंगा, तभी मैं ड्राई रन करके आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी कभी, क्योंकि काफ़ी इफर्ट्स लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और मैं तो कहूँगा यार दोस्तों में भी शेयर कर दो, और सारा का सारा पैटर्न वीडियो आप एक बार देख लो, फिर आपको पैटर्न से छुटकारा ही मिल जाएगा, आपको फिर से दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई रन करूँगा आई इक्वल टू कितना है वन, जे इक्वल टू कितना है वन, तो देखो आई इक्वल टू कितना है वन, आई इक्वल टू कितना है वन, मैं एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ इधर, आई इक्वल टू वन, तो वन हमारे लेस देन इक्वल टू कितना है फोर, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा जे इक्वल टू वन, जे वन से शुरू होगा वन तक चलेगा, तो वन लेस देन इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है इसके अंदर आएगा प्रिंट करेगा क्या आई माइनस जे, तो वन माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, वन प्रिंट कर देगा तो हमारा वन आ जाएगा। फिर हमारा क्या करेगा स्पेस प्रिंट करेगा, और जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, और जैसे जे का वैल्यू टू हो गया यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो एक नया लाइन प्रिंट करेगा और कर्सर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू जो वन था अब हो जाएगा टू, टू हो जाएगा तो टू लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है इसके अंदर आएगा, और फिर आई कहाँ से चलेगा वन से लेकर आई तक, मीन्स वन से लेकर टू तक दो बार चलेगा, तो पहला बार कंडीशन ट्रू है यहाँ आएगा तो क्या प्रिंट करेगा आई का वैल्यू कितना है टू, टू माइनस जे का वैल्यू पहले कितना है वन प्लस वन कट जाएगा, कितना प्रिंट कर देगा दो। फिर क्या करेगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू हमारा वन था अब जे का वैल्यू टू हो जाएगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, तो टू लेस देन आई, आई का वैल्यू कितना है टू लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कितना हो जाएगा आई का वैल्यू टू है जे का वैल्यू टू है,
आई का वैल्यू टू, जे का वैल्यू टू, तो आई माइनस जे मीन्स टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो, और प्लस वन तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा वन। फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, और जे का वैल्यू जैसे ही थ्री होगा यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट क्या करेगा न्यू लाइन, तो कर्सर जाएगा कहाँ यहाँ। और फिर हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ थ्री, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, थ्री लेस इक्वल टू फोर है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर इनर लूप के अंदर आएगा जे इक्वल टू वन, जे लेस इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू है। कहाँ तक चलेगा, वन से लेकर थ्री तक, तो थ्री तक चलेगा, तो पहली बार में क्या करेगा जे का वैल्यू, आई का वैल्यू हमारा थ्री है, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना होता है टू, प्लस वन थ्री, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा थ्री। वैसे ही अब फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, तो टू लेस देन इक्वल टू थ्री है, कंडीशन ट्रू है। तो अब जे का आई का वैल्यू है थ्री, और आई का वैल्यू है हमारा थ्री, और जे का वैल्यू कितना हो गया टू, तो थ्री माइनस टू कितना हो गया वन, प्लस वन टू, तो यहाँ टू आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा वन। वैसे ही नेक्स्ट लाइन में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ फोर, यहाँ थ्री, यहाँ टू, यहाँ वन, और इसके नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जैसे ही आएगा हमारा यहाँ हो जाएगा फाइव, और हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट हमारा क्या होगा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो चीज़ें कैसे काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आपको वीडियो करना है पीछे, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, वीडियो को पीछे करना है, अच्छे से देखना है, हमेशा के लिए समझ लेना है। मैं तो यही कहूँगा हमेशा के लिए समझ लो, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मैं चलता हूँ, मुझे कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है, मैं देखता हूँ, इधर इसको प्रिंट करना है, इसको मैं क्या करना है प्रिंट करना है, वन टू वन, थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, कैसे प्रिंट करना है मैंने आपको बता दिया है, बस यहाँ कोड कर देना है जल्दी जल्दी। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ कोड लिखता हूँ, और आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है, और इस कोड को डाउनलोड कर लेना है। कोड क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको चीज़ हमेशा के लिए समझ में आ जाए, क्योंकि हमेशा के लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। और एक जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है, और यूट्यूब पर इतना अच्छा से कोई नहीं बताया है, इस बात में आपको गारंटी दे सकता हूँ, कोई बताया ही नहीं है इतना अच्छा से, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा क्वेश्चन तो कोई नहीं बताया है, और इतना अच्छा से आपको एकदम हिंदी में एक एक चीज़ का ड्राई रन करके कोई नहीं दिखाया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा है, कोई दिखाया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब मैं अपना बीटेक कर रहा था और डिप्लोमा कर रहा था तो वीडियो ही नहीं था, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था अच्छा सा, तो इसीलिए मैंने शुरू किया है, ताकि जितने लोग हैं डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स, उनको काफ़ी अच्छा चीज़ें समझ में आ पाए, और काफ़ी हिंदी में। तो इंट जे इक्वल टू कहाँ से वन, और जे कहाँ से जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ क्या होगा जे प्लस प्लस, और प्रिंट क्या करना है, हमें तो प्रिंट करना है सी आउट आई माइनस जे प्लस क्या वन। ये लॉजिक आपको खुद से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ड्राई रन करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, आप दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करोगे हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा इस टाइप का लॉजिक, ठीक है। तो आई इक्वल टू वन, आई लेस इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, जे वन से शुरू हो रहा है, आई तक चलेगा, जे प्लस प्लस, और हमारा लॉजिक लग गया, मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा, और जैसे ही मैं रन करूँगा हमसे इनपुट मांगेगा, मैं यहाँ फोर डाल दूंगा, और देखो वन टू वन, थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, यही हमारा आउटपुट था, यही हमारा क्या था आउटपुट। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, मुझे आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, और कोड का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आपको ज्वाइन करना है और वहाँ से कोड सारा का सारा डाउनलोड कर लेना है, इसीलिए मैं सारा का सारा कोड एक ही जगह रख रहा हूँ, ठीक है, यही कोड मैं आपको दे दूंगा, आप काफ़ी अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चलूँगा फिर और बढ़ूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ूँगा किसके तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी क्यों है, क्योंकि यार अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ वन टू थ्री और स्टार प्रिंट करना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ आ गया क्या अल्फाबेट, अल्फाबेट आ गया, ये तो समस्या है सर, क्यों समस्या है, मैं बताऊंगा कैसे समस्या नहीं है। और इसमें देखो यहाँ नंबर ऑफ रोज अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है, तब और समस्या हो गया, कैसे एक समस्या होगा मैं बता दूंगा, ए
ए ए, फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ बी बी बी, यहाँ सी सी सी, यहाँ डी डी डी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए एक और जोड़ लेता हूँ, यहाँ बी जोड़ लेता हूँ, यहाँ सी, यहाँ डी, ताकि एक ही एन लेकर आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर आपको एन अलग लेना पड़ेगा और एक वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को रख लेता हूँ सी डी। और मैंने आपको एक चीज बताया है, मैंने आपको क्या बताया है कि जो हॉरिजेंटल लाइन उसे क्या बोलते हैं, रोज। ये हमारा क्या है, रोज। जो हॉरिजेंटल है मींस ये हमारा है इधर से इधर, ये हमारा क्या है, रोज। ये हमारा क्या है, कॉलम। तो 1 2 3 4, इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा रोज हो गया, ये हमारा कलम हो गया। और मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो हमारा रोज होता है वो क्या करता है, आउटर लूप से प्रिंट होता है। आउटर लूप किसके लिए मैं चलाता हूँ, रोज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 4 int i = 1, i < n, और i++। n क्या है, n हमारा 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि यार इसमें 4 रोज है और 4 कलम है, तो मैं n = 4 मान लेता हूँ। अगर यहाँ हमारा 4 रोज था और column 3 था, तो उसके लिए आपको n m अलग अलग मानने पड़ते, इसलिए उस झंझट को दूर करने के लिए मैं n दोनों को 4 बना लिया हूँ, रोज को भी और कॉलम को भी। ये हमारा आउटर लूप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक इनर लूप चलाऊंगा, 4 int j = 1, j < n, और j++। और इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है सर, इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, ये तो समस्या है। एक क्या है, एक समस्या। क्यों, क्योंकि यार इससे पहले तक मैं 1 2 3 4 में गिनती प्रिंट कर रहा था और मैं स्टार प्रिंट कर रहा था, स्टार पैटर्न। अभी मुझे यहाँ अल्फाबेट पैटर्न प्रिंट करना है, तो मैं देख पा रहा हूँ जो हमारा i = 1 है, जब i = 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है ए। हमें भी क्या प्रिंट करना है, हमें ए प्रिंट करना है। इतना हमको समझ में भी आ रहा है, हमें क्या प्रिंट करना है, जब i = 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, ए। तो मैं एक चीज यहाँ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिख लूंगा कैर ऑफ 65, कैर ऑफ 65। अब 65 क्या है, 65 क्या है सर, तो आपको एक चीज अभी पता होना चाहिए, स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू मीन्स जितना भी आप अल्फाबेट डिजिट स्पेशल कैरेक्टर जितना चीज भी आप देखते हैं कंप्यूटर में, सबका एक स्काई वैल्यू है। जैसे कैपिटल ए का स्काई वैल्यू है कितना, 65, वैसे ही बी का कितना है, 66, सी का कितना है, 67, वैसे ही ये जाता है कितना तक, 90 तक। जेड का कितना है, 90। तो आपको क्या करना है, ए प्रिंट करना है, ए। तो ए कैसे प्रिंट होगा, ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65। ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65। तो कैर ऑफ अगर आप ए कर दोगे, कैर ऑफ क्या करना है आपको, अगर ए कर दोगे कैर ऑफ ए, आपको क्या हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। पहली बार में आपको 4 बार चलेगा, ये 4 बार चलेगा, तो कैर ऑफ 65 अगर मैं कर दूंगा तो 4 बार हमारा क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। 4 बार क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बारी से हमें क्या करना है, नेक्स्ट बारी हमें फिर प्रिंट करना है बी। तो बी कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 65 + 1 क्या करना पड़ेगा, 65 + 1 करना पड़ेगा।